हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 17 अगस्त को सीबीआईसी ने एक और इंस्ट्रक्शन जारी किया समन्स के रिगार्डिंग। समन्स कब, कैसे, किस सिचुएशन में इशू करने हैं उसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस। समन एक जुडिशियल प्रोसेस है। जैसे ही कोई अथॉरिटी आपको समन इशू करती है, आप लीगली बाउंड हो जाते हो उस समन से। तो जीएसटी अथॉरिटीज के पास समन इशू करने की पावर है और वो कहीं ना कहीं उस पावर का ब्लेटेंट मिसयूज कर रही थी। उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी जो रेडीली अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन चढ़ा रखी है, कोई स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए भी वो लोग समन इशू कर रहे थे। दूसरी बात, वो समन इशू करते हुए उसमें ये कहीं नहीं लिखते थे कि ये समन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए दिया जा रहा है, हम आपसे एविडेंस मंगवा रहे हैं, क्या आप अक्यूज्ड हो, क्या आपको अक्यूज्ड हो, उसमें कुछ मेंशन नहीं होता था। तो जैसे ही एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर के पास ये समन पहुंचता है, वो डर जाता है। रही दूसरी बात, आपको समन इशू करने की पावर दी गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हर केस में अब समन ही इशू करोगे? आपको कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या आप उस आदमी को लेटर नहीं लिख सकते? आप सीधा समन ही इशू करोगे? और रियलिटी तो ये है, कोई लेटर भी अगर वो लोग लिखते थे तो उसके नीचे लिख देते थे इट विल बी ट्रीटेड एज अ समन। अरे भाई, पुलिस वाले को डंडा चलाने की पावर दी गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर सिचुएशन में डंडा ही चलाएगा। अगर मुंह से बोलकर वो किसी काम को करवा सकता है, तो जरूरी है उस सिचुएशन में वो डंडा ही चलाए। समन इशू करने की आपको पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उस अथॉरिटी को मिसयूज करो, एक्सेसिव यूज करो। कोई पावर अगर आपके पास हो तो उस पावर से आपको हम्बल होना चाहिए, ना कि अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, अपना डर बिठाने के लिए उसका यूज करना चाहिए। तो पहली बात तो कोई रेडीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कोई ऑनलाइन डाटा है, कोई रिटर्न वगैरह तक की बात है, कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, उसके लिए भी वो लोग बेधड़क समन इशू करते हैं। सेकेंडली, वो किसी भी सिचुएशन में लेटर इशू करते ही नहीं, सीधा ही समन इशू करते हैं। जब समन इशू करते हैं तो उस आदमी को पता नहीं होता उसे किस कैपेसिटी में समन इशू किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई पीएसयू है, उससे आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस पीएसयू के सीधा एमडी को आप समन जारी कर देते हो। कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके किसी एक इनवॉइस में आपको कोई गलती मिली, इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिली, तो सीधा आप उसके एमडी को, सीईओ को समन कर देते हो। अरे, आप उन लोगों को समन तभी करो जब उनकी पर्सनल प्रेजेंस आपको रिक्वायर्ड है, उन्हें आपको उन्हें इंटेरोगेट करना है, उन्हें पर्सनली, आपको पर्सनली वो लोग आपके सामने चाहिए, आपको उनसे कुछ पूछना है। लेकिन नहीं, हर केस में आप हाईएस्ट अथॉरिटी को सीधा समन दे देते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज देखने में मिली कि आप समन इशू करते हो तो ना तो आप ये देखते कि उसकी सर्विस प्रॉपरली हुई कि नहीं हुई, और ना ही आप जिसको समन दे रहे हो उसे रीजनेबल टाइम देते हो कि वो उस समन को कंप्लाई कर सके। मेरे ही एक केस में, कस्टम्स के एक केस में,
कस्टम्स ऑफिस से जयपुर की एक पार्टी को समन इशू किया गया। 5 तारीख को समन इशू किया कि आप 10 तारीख को कस्टम हाउस आओ। फिर 10 तारीख को उसके आने की वेट नहीं की आपने, 10 तारीख को आपने समन दोबारा इशू कर दिया कि आप 15 तारीख को अपियर हो। ये समन स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं, कस्टम हाउस से स्पीड पोस्ट 12 से 1 बजे के बीच में निकल जाती है। तो आपने कोई वेट नहीं की कि वो बंदा अपियर होगा भी कि नहीं होगा, आपने दूसरा समन इशू कर दिया। फिर वो स्पीड पोस्ट पहुंचने में भी 2 या 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन आपने पहला समन 5 तारीख को इशू किया कि 10 तारीख को आओ, 10 तारीख को फिर इशू कर दिया कि 15 तारीख को आओ, और 15 तारीख को फिर इशू कर दिया कि आप 20 तारीख को आओ। ये एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि आप कोई समन इशू करते हो तो आप उस आदमी को एम्पल टाइम दोगे, सफिशियंट टाइम दोगे उसको कंप्लाई करने का। ये मेरे केस में जो इस तरह से 3 समन इशू करे गए, 5 को, फिर 10 को, फिर 15 को, मैंने अपना केस निकाला इस बेस पर। हाईकोर्ट में जब ऐसे मैटर जाते हैं तो हाईकोर्ट पूछती है, अरे वो बिजनेसमैन ट्रेडर आपके लिए खाली बैठा है क्या कि आपने जब उसे बुलाया हो तब आ जाएगा? आप उसे रीजनेबल टाइम दीजिए। सेटल्ड प्रिंसिपल है ये कि आप समन इशू करोगे तो आप इंश्योर करोगे कि उसकी सर्विस हो रही है। यू विल मेक श्योर कि आप जिसको समन दे रहे हो आप उसे रीजनेबल एम्पल सफिशिएंट टाइम दोगे उसे कंप्लाई करने के लिए। आप करते क्या हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर फटाफट 3 समन इशू करते हो, और 3 समन इशू कर जिसे पॉसिबल ही नहीं है कंप्लाई कर रहा, जब वो आदमी कंप्लाई नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। इन सब ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस आई है जो कहती है कि पहले तो आप डिविजनल हेड की परमिशन लोगे समन इशू करने से पहले। आप समन इशू करोगे तो आप उसको बताओगे कि आप उसे किस कैपेसिटी में बुला रहे हो, एज विटनेस, एज अक्यूज, एज को अक्यूज। जिसको समन जा रहा है उस आदमी को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये समन किस रिगार्डिंग है, किस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन ऑफेंडर है। और कम से कम जो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, जो GST पोर्टल पे अवेलेबल है, उसके लिए तो आप समन मत इशू करो। और कोई PSU है, कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, आप सीधा उनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को समन मत जारी करो, अनलेस एंड अंटिल उनकी पर्सनल प्रेजेंस आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड है, उन्हें समन मत इशू करो। और जब भी आप रिपीटेड समन्स इशू करते हो तो यू मेक श्योर कि पहली बात तो वो समन सर्व हो रहे हैं, और सेकेंडली आप जिसको समन दे रहे हो आप उसे 1 week's टाइम, 15 days टाइम या कुछ एम्पल टाइम दो कि वो उसको कंप्लाई कर सके। वो आपकी विल पर फ्री नहीं बैठा है कि जब आप बुलाओ वो तब चलाए, आप उसे अकोमोडेट करो। ये समन जारी करना एक सिर्फ एक टेक्निकल कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए कि फटाफट 3 समन इशू करे जिसे वो बेचारा नहीं कंप्लाई कर पाया और आपने उसके खिलाफ कंप्लेन जारी। ये एक जुडिशियल पावर आपको दी गई है और इसका एक्सरसाइज भी आपको जुडिशियसली ही करना चाहिए, और यही इस गाइडलाइंस में बताया गया है। सो आई सिंसियरली होप कि एटलीस्ट अब इन इंस्ट्रक्शंस के बाद, इस गाइडलाइंस के बाद, हमारी अथॉरिटीज कॉशियसली और जुडिशियसली अपनी पावर का एक्सरसाइज करें। That's it for this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।